तो के कहना चाहोगे, मतलब एक के ये मामला लंबे समय से चला था, आपने थोड़ा बहुत इसके अंदर हस्तक्षेप दिया जी? बिल्कुल जी, ऐसा ही जो घटना घटी बड़ी दुखद घटी किनाना के लिए, और भी है, बहू भी गई और बच्चे की माँ भी गई। कल शाम ने मैं क्या इस तरह से बहू जाती रही तो मतलब गांव का बिल्कुल दुखद है जी, बहुत समाज के लिए भी दुखद है और परिवार के लिए भी। सरपंच ने हत्या कर दिया, आप गए हो? आप गए हो सरपंच? हाँ, मेरे बाप दादी मैं जा कर दी, सासू गई मेरी। ऐसा है जी, ये बिल्कुल देखो भावनाएं हैं, दुख है। अब मैं इनके साथ हूँ, डेढ़ महीना हो गया इनका, डेढ़ महीना। देखो सर, बस आप घटना किसी के साथ भी घट सकती है, मतलब पक्ष निष्पक्ष, मतलब निष्पक्ष बात होगी जी, निष्पक्ष बात होगी जी। डेढ़ महीना तक इनके पिताजी मेरे पास कोई आज तक ही नहीं गए, इसके पिताजी तो मेरे पास कभी गए नहीं। वो गई थी हमारे जो ये बहू रानी थी गुजरी। हाँ फिर सुनो जी, क्या मैं गुड़िया के साथ गई थी। हाँ मैंने आप नू क्या मेरा नाई हो जवाब देवा जी, मैंने इन्हें ताला बंद था, मैं कहा तेरा घर बेबे ताला भी खुल गा, ताला दो बार फोन आए हैं, दोनों बार ताले मन ने खुलवाए, नु कहा तेरा घर खोल बेबे ताला, तो मैं उतार के कर सकूं। कल मैं मौके पे नहीं, साहब पढ़े लिखे सरपंच हैं, वो सरपंच नहीं रहे जो पलड़े हैं। बहुत फर्क हो गया, बदलाव हो गया, शासन प्रशासन के साथ मिलकर आप न चलना पड़ा है, तो उसके बावजूद भी आपने क्या करे? फिर मैं कहना जी कल की पंचायत में मैं नहीं था, दो बार मेरे साथ संपर्क हुआ, दोनों बार मैंने ताला खुलवाया घर बाड़ी में, तेरा घर में तुमने कोई कह दे कुछ, नंबरदार भी गवाह है, मैंने कहा कुछ भी तरह कह दे आ जाकर मेरे तरह। और नु कहा था गृहस्थी का मामला थारा दोनों निपटेगा, तुमने किसी चीज़ की अब आओ मेरे घर आज यू कर रहा है। लेकिन अभी जो सरपंच है गांव से, बैरी गांव से, बैरी की लड़की थी, तो वो भी मेरे सामने था, भले उसने भी कहा है कि मैंने कोशिश करी है जी, कल 100% कोशिश करी है मैंने, एक बार मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाऊँ। बिल्कुल जी, ऐसा कल अगर तो इनमें किसी तो नू कह दे, कोई भी एक फ़ोन भी आया मेरे द्वारे, देखो जी भगवान तो मैं हूँ नहीं, मैंने बेरा पट दरा कि दुख चल रहे हैं, किसी ने मेरे पास कल फ़ोन नहीं कराया, ना कोई संदेश आया मेरे पास, कराया भाई किसी ने? किसी ने बता दो जी, किस जो पंचायत आई थी किसी ने भी रखा जी, कोई दूसरा नहीं आवेगा। ऐसा है जी, जर्नल के वो मना करके भाई ने पुलिस वालों पर प्रेशर बना रखा है, जर्नल का कोई आदमी आना नहीं चाहिए इस पंचायत में। मैं खुद कल पंचायत में था, किसी और कारणवश गया था, इनके जो गांव वाले सरपंच साहब थे बारी के थे, उन्होंने यार लड़की है जो बहू है गुजरी है, इसने अपने बाप का गला लग कर सवेरे कही थी मैंने मारेंगे, सवेरे बहू ने सवेरे कह दी थी मैंने मारेंगे, क्यों बहू ने महसूस हो रही थी, सुनी होगी कि मैंने मारेंगे, सुन कही थी, अरे एक लड़का ने और कही थी भाई तना मारा है, दो तीन दिन में निपटा देंगे हमें। इसका मैन सरगना जो है ना करमबीर है जो बैबलप्रिया, वो जासा में देखा बहू ने, अख मैं इसका जुम्मेवार होऊंगा, जासा में देखा वो करमबीर ले गया इसने, और फिर ये करमबीर अपने घर भी ले गया इसने, ड्राई दमकाई भी है करमबीर ने, जासा में देखा करमबीर नंबर हुआ है, रात ने मारण में करमबीर भी शामिल है इसमें। आपका सामने कोई तथ्य नहीं है? ऐसा बिल्कुल तथ्य नहीं है जी, मैं कल रखल कोई देखो मीडिया के सामने है, किसी ने हमारी पे फोन करा, मेरे पास संदेश नहीं होगा, मैं था वीडियो ऑफिस पता कर सकते हो, वीडियो के साथ मीटिंग थी, तो बिना संदेश तो मुझे पता नहीं चलेगा जी, यह बात मानो आप। ये कह रखी जो मदद की जरूरत हो, नंबरदार है जी अपना रामपाल, उन्होंने कह दी किसी चीज़ की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो बताओ, लेकिन कोई ना है मेरा पटका तो जी मैंने किया, मैं दुखी दुखी परिवार के साथ हूँ और बड़ी दुखद घटना घटी है, और सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसने भी ये घटना घटी, मैं कानून के साथ हूँ। अब तो आपके सामने कह रहा है कि मैं मतलब साथ में हूँ, और मतलब जांच पूरी वो होनी चाहिए जो कि मतलब दोषी बिल्कुल कानून के साथ हूँ, दोषियों को सजा दिलाने में साथ हूँ। साथ कौन दिया इसने? कई बार का ये लड़का कई बार गया जवाब दिया है इसको, परिवार से परिवार से जी, अगर सरपंच साथ देना नहीं उसका तो आज ये कांड नहीं होना था। सरपंच ने साथ दिया एक बार भी, ये कह रहा नहीं मैंने ताला मैंने खुलवाया, इसने खुलवाया हमारी बस्ती ने इकट्ठे होकर ना, और थोड़े के लिए ताला तोड़वाया था। झूठ बोलना मारा वो धर्म नहीं है, दोनों बार ताला है, वो नुका तेरा घर है बेबे, तेरा अधिकार है तू खोल। ताला मन ने खुलवा था, 25 आदमी थे और एक हाँ ना वेद लंबरदार हूँ मैं, 10 दिन पहले वो पर्स में भी सुनवाई थी, 10 दिन पहले वो पर्स में भी सुनवाई थी, वहाँ इन्वर्टर पंखे सारा सौदा है, वो करने मैंने मारेंगे, जो दिन वो सोनू आया ना, सोनू ले गया था उसने चूड़िया का छोरा, उन्हें फिर फोन कराया चाचा बोला मैंने मारेंगे, मैं बोला बेटी मैंने कह रही तू अरे आ जा पर्स में सो जा, मैंने पर्स का ताला खुलवाया, ताला खुलवाने के बाद वो पर्स में सोई, मैंने पानी दिया चाय दी, सवेरे वो
घर चली गई। उसका जो ना फादर रामस्वरूप साथ में था और एक उसका वो लड़की थी, वो जो ना तीनों हमारी चौपाल है पुरानी बस्ती की उसके अंदर सुहाई थी मेरे मकान के सामने। और जो ताड़े की कह रहे हैं ताड़े के हम 20-25 आदमी मेरे को बुला कर ले गए थे। मैंने कह ला बेटी तेरा मकान है, अगर जो ना खोल लगा नहीं तू तोड़ दे, हमने वो ताला तोड़ दिया जो अंदर प्रवेश करवा दिया इनको, ठीक। और इसमें क्या है ताला वो अद उसकी मालिक थी वो अद देगी, ये थोड़ी है कि अकेला मालिक हो तो नंगड़ आदमी है, शराबी है, ड्रिंकर है, सब कुछ करता है, चोरी है, चोरी करता है वो, ठीक है। उसका सहयोग मोहल्ले ने दिया है और पहले भी हमने ये संदेश था ना इसके मारेंगे तो हम उस दिन भी अपने परस में या कहीं और सुहा देंगे, ठीक।